हमने थ्री फ्रूट्स और थ्री वेजिटेबल्स के नेम अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। अगर क्वेश्चन नंबर नाइन है, वेयर डू द फॉलोइंग एनिमल लिव, कि ये जो एनिमल्स हैं ये कहाँ पे रहते हैं। राइट योर आंसर इन योर नोटबुक, कि इनका आंसर आपने नोटबुक पे राइट करना है। और हिंट है कि वाटर पे, ऑन लैंड एंड कैन फ्लाई, कि वाटर पे कौन से रहते हैं, लैंड पे कौन से रहते हैं और फ्लाई कौन से करते हैं। जैसे कि एलिफेंट है, एलिफेंट तो लैंड पे रहता है ना, स्कॉर्पियन भी लैंड पे रहता है, हॉर्स भी लैंड पे, जो बटरफ्लाई है वो कैन वो फ्लाई करती है ना। इस तरह आपने इन सारे एनिमल्स के बारे में राइट करना है कि कौन से लैंड पे रहते हैं, कौन से वाटर में और कौन से फ्लाई करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, कलेक्ट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्व द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। राइट द नेम ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट, वुडन, प्लास्टिक एंड रबर इन योर नोटबुक। कि आपने ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देखना है और आपने थ्री ऑब्जेक्ट लेने हैं और फिर आपने बताना है कौन से वो थ्री ऑब्जेक्ट हैं जो वुडन से बने हुए हैं, जो प्लास्टिक के हैं और जो रबड़ के हैं। जैसे कि ये पेंसिल भी जो है वुड की बनी हुई है, टेबल चेयर भी वुड की होती है, प्लास्टिक के हमारे घर में कितने ज़्यादा बटन प्लास्टिक के होते हैं। इस तरह आपने वो थ्री ऑब्जेक्ट अपनी नोटबुक पर राइट। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, आइडेंटिफाई हाउ दीज ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, कि दोनों ऑब्जेक्ट हैं आपस में डिफरेंट कैसे हैं। राइट योर फाइंडिंग इन योर नोटबुक, हमने अपनी नोटबुक पर राइट करना है कि ये वाला जो हमारा रूलर है ये प्लास्टिक का बना हुआ है और ये वाला हमारा वुडन का बना हुआ है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड सॉर्ट द ऑब्जेक्ट हैज अ मैन मेड एंड नेचुरल मटीरियल्स। मैन मेड मटीरियल्स वो होते हैं जो इंसान बनाते हैं और नेचुरल मटीरियल वो होते हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए होते हैं। तो राइट द नेम ऑफ टू मैन मेड मटीरियल्स और टू नेचुरल मटीरियल ऑब्जेक्ट इन योर नोटबुक। तो हमने इस पिक्चर में से टू मैन मेड मटीरियल्स और टू नेचुरल मटीरियल अपनी नोटबुक पर राइट करना है। जैसे कि ट्री, ट्री अल्लाह ताला ने बनाया है तो ये नेचुरल मटीरियल है, और ये जो बेंच है ये इंसान ने बनाया तो ये मैन मेड मटीरियल है। तो हम टू टू ऑब्जेक्ट अपनी नोटबुक पर राइट करेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट द ऑर्डर ऑफ क्विकेस्ट टू द क्वाइटेस्ट टू द लाउडेस्ट साउंड। खामोशी से हमने लाउड साउंड की तरफ जाना है, जैसे कि विस्परिंग, फिर म्याऊ, फिर जो डॉग, फिर बेल और फिर एरोप्लेन की साउंड। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला क्वेश्चन है 14, नेम ऑफ फाइव प्लांट बेस्ड प्रोटेक्ट एंड फूड आइटम। जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है ना उसके हमने नेम राइट करने हैं प्रोडक्ट के, जैसे कि फ्रूट वेजिटेबल्स हो गए, ऐसे हमने फाइव ऑब्जेक्ट लेने हैं और उनके प्रोडक्ट्स के नेम अपनी नोटबुक पे राइट करने थे।